Assalamualaikum everyone, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर ऑपरेटिव डिलीवरी का, जिसमें हमने अब अपना स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है विच इज ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि मैं आपको चीजें वही वाली कराती हूँ जो आपके एग्जाम में आती है, बाकी चीजें वैसे भी स्किप आउट कर देती है. अभी ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी, पहले मैं आपको बता दूं कि बुक मैंने इसे थोड़ा लंबा सा करके लिखा है, मतलब 4-5-6 सफ़ों का है, तो ऐसे सारा का सारा बिला बताना पढ़ते ना रहिएगा अगर टाइम नहीं है तो. ये जितनी बातें मैं अभी यहाँ पर बता दूंगी ना, ये हेडिंग्स की फॉर्म में लिख दी है, क्योंकि उन्होंने ना जरा पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, तो आप बस इतनी ही बातें कीजिएगा. जो उन्होंने टेबल्स साथ दिए ना, वो टेबल जरूर देख लेना, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टेबल्स हैं, ताकि आपके टॉपिक जल्दी हो जाए. इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत ही अननेसेसरी हैं, लाइक इतना लंबा उन्हें प्लेस ऑफ डिलीवरी लिखा हुआ जिसकी कोई तुक नहीं है, तो वो आप ना जरा स्किप कर सकते हैं, मतलब ऐसे बताया टाइम की कमी की वजह से. अच्छा, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी नाम से पता चल रहा है कि है वजाइनल डिलीवरी ही, लेकिन हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, इसीलिए हमने उसको ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी कहा है. ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, दो ही चीजें होती हैं, या तो हम वैक्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम कप जिसको कहते हैं, ठीक है, या हम फोर्सेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको जो चिमटे की तरह के बने हुए होते हैं और उससे निकाल सकते हैं. ठीक है, जब इन दोनों में से किसी चीज का इस्तेमाल हो जाएगा इन वजाइनल डिलीवरी, तो आप उसे ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी कहेंगे. इसकी डेफिनेशन याद रखना प्लीज, ये ना कह देना कि आपकी जो डिलीवरी है उसमें, मतलब आप अगर सिजेरियन का नाम बीच में कहीं भी मत ले लेना, वरना काम सारा खराब हो जाएगा. अब आता है उसके बाद कि हमें ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी की क्या इंडिकेशन है, इसको ओवीडी कहते होते हैं. ठीक है, आपने याद रखना है कि इंडिकेशन इसकी क्या है. तो इसमें कुछ मटर्नल है, कुछ फीटल है, ज्यादातर कंबाइंड सिचुएशन ही होती है. तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन फीटल इंडिकेशन क्या है, तो उसमें होता है आपका सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, यानी फीटल कॉम्प्रोमाइज जो हम सबसे जल्दी सस्पेक्ट करते हैं वो होती है पैथोलॉजिकल सीटीजी. जब आपकी सीटीजी पे यानी कार्डियोटोकोग्राफी पे कोई भी चीज पैथोलॉजिकल आ जाए, वो उसमें मैंने कहा था कोई दो चीजें जब आ जाती है खराब, तो उसको हम पैथोलॉजिकल सीटीजी कहते हैं. तो उसके रिजल्ट में हमें शक होता है कि देयर इज सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज, 100% नहीं कह सकते क्योंकि सीटीजी भी फॉल्स पॉजिटिव होती है. तो उस वक्त हम एक इट इज एन मोस्ट कॉमन इंडिकेशन रिलेटेड टू फीटस. और मटर्नल मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है वो है प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, प्रोलॉन्ग बल्कि ज्यादा बेहतर है कहना प्रोलॉन्ग एक्टिव सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. ये आपके एमसीक्यू में याद रखना है. ठीक है, मोस्ट कॉमन फीटल एंड मोस्ट कॉमन मटर्नल की, अगर जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ना बहुत ज्यादा टायरिंग होती है, क्योंकि इसमें फीमेल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है और इसमें उसकी शदीद डिहाइड्रेशन हो रही होती है. फीमेल खुद भी हाइपोक्सिया में जा सकती है, और जब वो डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्सिया में जाएगी तो जाहिर उसकी रिजल्टेंटली लैक्टिक एसिडोसिस उसकी बॉडी में शुरू हो जाएगा, तो बड़ी ही एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट आ सकती है और सारी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो सकती है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक्टिव सेकेंड स्टेज जो प्रीमी ग्रेविडाज होती है उनमें 2 घंटे और मल्टीज में 1 घंटे से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. अगर वो जा रही है तो इसका मतलब है कि आपने सोचना है अबाउट एनी टाइप ऑफ दिस थिंग, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है देन सी सेक्शन के बारे में सोचिएगा. ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा जो बाकी ओवरऑल इंडिकेशंस की अगर बात करें, तो उसमें फीटल इंडिकेशंस में तो ये वाली बात है कि कोई भी चीज जो सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज को शो करती है, जिसमें हो सकता है कि सीटीजी पैथोलॉजिकल आ रही है, हो सकता है आपने फीटल ब्लड सैम्पलिंग की है जो मैंने आपसे कहा था स्कैल्प से करते हैं, और उसमें आपका पीएच कम आ गया या फिर लैक्टेट ज्यादा आ गया जो शो करेगा फीटस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, या तीसरी चीज है कि फीटस ने मेकोनियम पास कर दिया है अंदर ही. तीनों चीजें सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज की है जिसमें आपने ये करनी है. मटर्नल आ सकती है जो चीजें, उसमें सबसे पहली चीज है कि वही प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है. ठीक है, नली पैरस में जो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमने कहा है ना नॉर्मली तो 2 घंटे होती है नली में, लेकिन जो प्रीमी ग्रेविडाज या नली पैरस फीमेल होती है उनमें मैक्सिमम हम 3 घंटे तक वेट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, और जो मल्टीज है उनमें मैक्सिमम हम 2 घंटे तक वेट करते हैं, मतलब 1 घंटा नॉर्मल है और 2 घंटे तक हम वेट करते हैं, उससे ज्यादा हम वेट नहीं करते. उसके अलावा अगर मटर्नल एग्जॉशन बहुत ज्यादा होगी है, मटर्नल वॉमिटिंग शुरू होगी है, वो भी अगर इससे पहले भी शुरू होगी है, मतलब 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए, तो भी हमने ये करनी है. उसके अलावा अगर कोई मटर्नल मेडिकल इंडिकेशन है, लाइक फीमेल को कोई कार्डिक डिजीज है, हाइपरटेंसिव डिजीज है, कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिसमें वो इतनी लंबी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, तो आपने पहले ही ये वाली डिलीवरी कर लेनी है. ठीक है, और कंबाइंड का मतलब है कि मदर का भी कोई फैक्टर था, फीटल का भी था, तो कंबाइंड हो गया, तो ये आपने याद रखनी. ठीक है, एक्टिव सेकेंड स्टेज में आपने किस तरह दोनों में नली पैराज में एंड मल्टी पैराज में क्लासीफाई किया हुआ, ये आपने हमेशा याद रखना होता है कि नॉर्मल इज 2 आवर एंड 1 आवर एंड वी कैन वेट फॉर 3 एंड 2 आवर्स. अच्छा जी, अब आ जाता है उसके बाद कि हमारे पास क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं किसी भी दफा ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी करने के लिए. प्री रेक्विजिट से बात है, मुराद ये है कि क्या क्या चीजें हैं जो उस वक्त होंगी तो हम ओवीडी के बारे में सोच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेफ्टी क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, असल में जो क्वेश्चन आता है ना वो आता होता है आपका, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर वैक्यूम डिलीवरी या प्री रेक्विजिट्स फॉर फॉरसेप्स डिलीवरी, और बुक में जो आपका टेबल बना हुआ है ना सेफ्टी क्राइटेरिया का, वो आपने इसमें असल में लिखना होता है. ठीक है जी,
अब सेफ्टी क्राइटेरिया में क्या चीजें, अब आप खुद सोचें कि अगर बच्चा अभी बहुत पीछे पड़ा हुआ है, मतलब बच्चे का सर अभी बहुत ऊपर है, या फिर अभी सर्विक्स पूरा डायलेट ही नहीं हुआ, या फिर अभी जो है वो आपने बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वही ट्रांसवर्स है, तो ऐसे में तो ये चीजें आप कर ही नहीं सकते ना, वो तो फिर हो ही नहीं सकती। इसलिए कुछ चीजें जो आपने लाजमी पहले देखनी होती है कि क्या वो फेवरेबल है या नहीं है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू परफॉर्म अ फुल एब्डोमिनल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन। उसमें आपने क्या कर देखना है कि हेड एटलीस्ट 1/5 पैल्पेबल, 1/5 से कम पैल्पेबल होना चाहिए एब्डोमिनली, जिसका मतलब ये है कि आपका हेड जो है वो बहुत अच्छा वाला एंगेज हुआ हुआ नीचे पहुंच चुका होना चाहिए, ठीक है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकती हूँ कि इसकियल स्पाइन के लेवल से हेड नीचे लाजमी होना चाहिए, यानी जीरो स्टेशन से नीचे +1, +2, +3 में हेड होगा तो आप डिलीवरी करेंगे। अगर हेड माइनस में जा रहा है या जीरो पे है तो भी आप ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी का नहीं सोचते, ठीक है, प्लस भी होना चाहिए स्टेशन, जो मैं आपको पार्टोग्राम पे बताया था। उसके बाद लाजमी तौर पे आपने चेक करना होता है कि सर्विक्स फुली डायलेटेड हो, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रहे, सर्विक्स डायलेट नहीं है तो आप डैमेज कर देंगे, तो सर्विक्स फुली डायलेटेड यानी 10 सेंटीमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका मैंने बता दी स्टेशन जो है वो +1 होगा, जीरो स्टेशन पे हम बहुत ही सोच समझ के करते हैं क्योंकि जीरो स्टेशन जरा ऊंचा होता है, +1, +2, +3 पे तो हम कर देते होते हैं। उसके साथ साथ बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन को देखना कि क्या उसकी डिलीवरी जो पोजीशन है उसका सर ही प्रेजेंट करे और सर में भी कौन सा पोर्शन प्रेजेंट करे, क्योंकि अगर बच्चे का सर है लेकिन फेस प्रेजेंटेशन है तो जाहिर है आपने ये नहीं करनी, बच्चे का फेस डैमेज हो सकता है, तो इस वजह से उसकी प्रेजेंटेशन को देखना है। फिर ये देखना है कि उसकी बहुत सवेयर कैपट या मोल्डिंग तो नहीं हुई हुई, क्योंकि उस केस में भी अगर आप फॉर्सेप्स या वैक्यूम लगाते हैं ना तो आप चीजों को अंदर ज्यादा खराब कर सकते हैं, हेमरेज का चांस होता है, और कैपट या मोल्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर आपकी जो आखिरी चीज है जो आपने जनरल एग्जामिनेशन में देखने वो मेटर्नल पेल्विस है, कि पेल्विस उसका कितना है या नहीं, क्योंकि जो एंड्रॉइड पेल्विस है, जो आपके एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, या फिर कोई भी पेल्विस जो बहुत तंग है, जो शॉर्ट है, और जो पेल्विस होते हैं खासतौर पर छोटे कद की खवातीन, छोटे जिनके कद होते हैं ना उनके पेल्विस होते हैं बड़े तंग और छोटे से, उसमें भी आप नहीं करते होते ऐसी चीजें, ठीक है। तो पेल्विस को आपने अप्रोप्रिएटली देख लेना है, पहली ये होगी आपकी, ये इसमें आते हैं फुल एब्डोमिनल वजाइनल में। फिर मदर की के लिए कहते हैं कि मदर से इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना होता है, लेकिन जाहिर है उस वक्त मदर इतने इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट देने की स्टेज में नहीं होती, बस उसे बताना ही होता है एक तरह से, और उसे बताना होता है कि हम औजार लगा के बच्चा निकालेंगे, इस तरह से उसे बताना जरूर होता है ताकि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे आपको। एक अप्रोप्रिएट एनाल्जीजिया जरूर देना है, अगर उसने एपिड्यूरल लगवाया है तो एपिड्यूरल की डोज को टॉपअप कर दें, मतलब थोड़ा ज्यादा कर दें, या फिर देख लें कि एडिक्वेट है या नहीं, अगर नहीं लगवाया हुआ तो फिर आप टॉपिकल एनेस्थीजिया देंगे करने से पहले, ताकि उसे पेन ना हो। और ये लाजमी इंश्योर कर ले कि मेटर्नल जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी है, क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं होगा तो चांसेस होते हैं कि यूरिनेशन उस वक्त आपके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपने ब्लैडर एम्प्टिंग का देख लेना होता है और एसेप्टिक तरीके से ही परफॉर्म करना है। और आपके पास इसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेंड स्टाफ एंड अ बैकअप प्लान मौजूद हो, इसकी जरूरत इस वजह से क्योंकि अगर गलती से ये फेल हो गया, अगर आपकी वैक्यूम डिलीवरी फेल हो जाती है तो आप फॉर्सेप्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने वैक्यूम की थी, वैक्यूम अगर फेल हो जाती है तो आप फॉर्सेप्स कर सकते हैं, लेकिन आपकी फॉर्सेप्स फेल हो जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय सिजेरियन करने के, फिर आपने सिजेरियन ही करना होता है, ठीक है। तो ट्रेन स्टाफ एंड बैकअप प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास सिजेरियन का भी सब कुछ तैयार हो। जब आप किसी फीमेल की भी ऑपरेटिव डिलीवरी करने लगते हैं ना तो साथ ही आप ऑर्डर दे देते हैं कि भाई तैयार करो, सिजेरियन होने का चांस है, क्योंकि बहुत चांस होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपके पास इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो जो अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, मतलब चीजें नॉर्मल नहीं है तो वगैरह कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है, मैंने बताया था फीटल हेड ज्यादा हाई हो, या फिर डायलिटेशन अभी पूरी नहीं हुई हुई, या फिर डिलीवरी जो आपकी प्रेजेंटेशन है बच्चे की वो फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो जाहिर है आप नहीं करेंगे। उसके बाद एक और चीज होती है कि मदर की गेस्टेशनल एज क्या है, कहते हैं कि 34 से पहले की अगर गेस्टेशनल एज है तो आपने ये परफॉर्म नहीं करना होता, द रीजन इज उस वक्त बच्चे की वेसल्स जो है वो बहुत इमेच्योर होती है, तो अगर इमेच्योर वेसल्स होंगी ब्रेन में और आप उसको सपोज वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो वो आप सक्शन के टाइम पे उन वेसल्स को सारी को ब्लीड करने लग जाएंगी, वो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी बच्चे के सर में। तो इस वजह से अगर 34 से कम गेस्टेशनल एज है तो फिर आपने नहीं करना होता, क्योंकि चीजें इमेच्योर होती हैं। और अगर आपने फीटल ब्लड सैंपलिंग की थी तो भी आपने इसका मतलब है कि एक इंसिजन दिया है बच्चे के सर में, अगर अब आप उसको फॉर्सेप्स से वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो चांस है कि वो जहां पर आपने इंसिजन दिया था और ब्लड लिया था वो जगह फिर से ब्लीड करे, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, लेकिन ये रिलेटिव है। जो एब्सोल्यूट है ना वो ये कि फीटल हेड हाई है, फुल डायलिटेशन नहीं हुई, फेस या ब्रीच है, ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब आपके पास अगली बात आ जाती है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट लेना कौन से, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं ना, या आपका ये जो वेंटाउज है इसको वैक्यूम को ही कहते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज आपके पास फॉर्सेप्स है। अब दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि वैक्यूम किस तरह से अच्छा है फॉर्सेप्स से, किस तरह बुरा है फॉर्सेप्स से, और किस तरह बराबर है। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस,
इसका फायदा ये होता है कि इट्स रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल टू परफॉर्म है, क्योंकि ये सिंपल सा एक कप ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके, बल्कि साइड व्यू से दिखाऊं ना तो ऐसे करके एक कप होता है बस, ठीक है। ये कप आपने इसके अंदर, इसके पीछे जो सक्शनिंग का फोर्स होता है, तो आप बच्चे के सर पे लगा के सक करेंगे तो सिंपली वैक्यूम से बच्चा खींच के बाहर आ जाएगा। तो इतनी स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फोर्सेप्स की। तो लेस स्किल इज रिक्वायर्ड और इजियर टू परफॉर्म है ये, ठीक है। इसकी वजह से आपका ट्रॉमा जो मदर को होता है, वजाइनल ट्रॉमा, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जाहिर है ये थोड़ा छोटा इंस्ट्रूमेंट है और इतना ज्यादा नहीं होता। इसी ट्रॉमा की वजह से जो मटर्नल पेन है वो भी इसकी वजह से थोड़ी कम है, फोर्सेप्स में जरा ज्यादा है, हम फोर्सेप्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसमें हमें उतने ज्यादा एनेस्थीजिया की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आप टॉपिकल एनेस्थीजिया से अच्छा सा दे के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो ये कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि इससे डिलीवरी नहीं हो पाती और हमें वो करना पड़ता है, फोर्सेप्स लगाने पड़ते हैं, तो इसके फेलियर रेट ज्यादा है, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद जब आप वैक्यूम करते हैं ना, तो आपने एक नेगेटिव प्रेशर इंडिकेट किया है, ठीक है, जनरेट किया है, उसकी वजह से मैंने बताया ना बच्चे के सर के अंदर की वेसल्स को बहुत ज्यादा खतरा है, वो ब्लीड करेंगी, इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है, बच्चे के अंदर एडिमा हो सकते हैं उसके ब्रेन में, जिसको हम सेफेल हेमाटोमा कह सकते हैं, सेफेल एडिमा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि बच्चे की वेसल्स ब्लीड करने लग जाए, क्योंकि आप उनको खींच रहे हैं ना इस तरह करके, एक नेगेटिव फोर्स अप्लाई करके, तो ये इसके जो चांसेस है ना सेफेल हेमाटोमा के या ब्लीडिंग के, वो इसमें बड़े ज्यादा है। बच्चे की आंख इसमें इसी तरह से डैमेज होने का चांस हो जाता है, रेटिनल हेमरेज का, ठीक है, क्योंकि आप एक तो अगर आप फोर्सेप्स लगाते हैं तो बच्चे की आंख को बाहर से ट्रॉमा मिलेगा ना फोर्सेप्स का, लेकिन वैक्यूम से अंदर से जब खींची जाएगी तो रेटिनल वेसल्स खींचेंगी तो रेटिनल हेमरेज हो जाता है। उसके अलावा जाहिर है ये इसकी जो है ना, मतलब डिसएडवांटेजेस है थोड़े बहुत। अब आ जाते हैं हमारे पास कि अगली बात आती है प्रोसीजर, हमने क्या रखना होता है जब भी आपने कोई ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी करनी है, चाहे वो वैक्यूम की है चाहे वो दूसरी है अपनी फोर्सेप्स की। पहले कुछ हम जनरल से ये प्रोसीजर के स्टेप्स करेंगे, फिर हम आ जाएंगे स्पेसिफिक पे, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हम वैक्यूम लगाएंगे तो क्या स्पेसिफिक बातें हैं और फोर्सेप्स की क्या स्पेसिफिक है। जब भी आपने कोई ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी करनी है तो सबसे पहले अपनी फीमेल को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट किस लिए करना है, अभी मैंने आपको वो सारी बातें यहाँ प्रीरेक्विजिट्स में बता दी हैं कि आपकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन चाहिए, वजाइनल चाहिए। आपकी वजाइनल एग्जामिनेशन पे और एब्डोमिनल दोनों के मुराद है, एक तो हमने फीटस को इवैल्यूएट करना है अंदर, उसकी लाए क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बच्चे का सर कहां पर पड़ा हुआ है, बच्चे की कंडीशन कैसी है, कैपोट या मोल्डिंग तो नहीं हुई, फीटल सीटीजी कैसी चल रही है, ठीक है, हर चीज इवैल्यूएट करनी है। मां का, फिर मदर आ जाती है, मदर का पेल्विस कैसा है, मदर की अपनी कंडीशन कैसी है, क्या वो थोड़ी और देर बर्दाश्त कर सकती है, उसका पेरिनियल एरिया का कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब हर चीज को आपने इवैल्यूएट करना होता है, क्योंकि मुझे बताया कि पेल्विस भी सारे के सारे रिस्पॉन्ड नहीं करते, शॉर्ट स्टेचर फीमेल्स है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, प्लेटीप्लॉइड पेल्विस है, नहीं करनी आपने, ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। बच्चे का सर ऊंचा है नहीं करनी, वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले इवैल्यूएट कर लिया, आपको पता चल गया कि इट्स फिट, मतलब आपका सेफ्टी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। फिर अगला काम है एनर्जीजिया, जो वैक्यूम डिलीवरी मैंने कहा है कि उसमें कम एनर्जीजिया चाहिए होते हैं। वैक्यूम्स ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट कप्स और एक होते हैं आपके रिजिड कप्स। नाम से पता चल रहा है जो सॉफ्ट वाले हैं वो ज्यादा इजी टू गो है, इस वजह से इनमें हम सिंपली टॉपिकल एनेस्थीजिया पे काम चला लेते हैं, उधर से ही इन्फिल्ट्रेशन दे देते हैं, एंटीसेप्टिक होता है। जो रिजिड कप्स होते हैं ना उनमें टॉपिकल पे खाली काम नहीं चलता, उसमें आपको कोई ना कोई जरा रीजनल एनेस्थीजिया देना पड़ता है, मतलब ये कि आपको जो वहां पर पीछे पुडेंडल नर्व आ रही है उसको ब्लॉक कर दें, वहां पर आप एनेस्थीजिया दे दें ताकि आगे वाला रीजन सारा ब्लॉक हो जाए, तो इसमें आपको रीजनल देना पड़ता है, टॉपिकल से काम नहीं चलता, वरना फीमेल को बहुत पेन होती है, जो आपके हार्ड कप्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्सेप्स, तो फोर्सेप्स आपका कोई भी हो, अभी मैं आपको बताऊंगी दो तरह के फोर्सेप्स ही होते हैं, कोई भी फोर्सेप होगा आपका, उसके लिए आपको एक अच्छा ही एनर्जीजिया और एनेस्थीजिया चाहिए, मतलब आप सिंपल से काम से नहीं चल सकते, जिसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आपका रीजनल एनेस्थीजिया तो लाजमी होना चाहिए फोर्सेप्स के लिए, जिसमें पोटेंडल नर्व ब्लॉक है, और अगर रीजनल से भी आपको लगता है कि नहीं गुजारा होगा तो कभी कभार फीमेल को जनरल भी देना पड़ता है, लेकिन इसके चांसेस कम नहीं होते, ठीक है, रीजनल से ही आप कर लेते हैं। तो फोर्सेप्स इज ऑलवेज विद रीजनल एनेस्थीजिया, टॉपिकल से नहीं करना, ये होगी बात। फिर है फीमेल की पोजीशनिंग, तो फीमेल शुड बी इन लाइथोटमी पोजीशन, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की भी पोजीशन होती है वो बेस्ट होती है इसके लिए, और आपने हमेशा से एक प्लान पहले से रखना होता है, कंटिजेंसी प्लान जिसको कहते हैं, कि अगर आगे फेल हो जाती है ये डिलीवरी तो आपने सी सेक्शन के लिए तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह वैक्यूम और किस तरह से थोड़ा बहुत फोर्सेप्स को इस्तेमाल करते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अभी तक कोई मसला, थैंक यू।